हानिया क्या बन रहा है इधर? महंगी बन रही है, बड़ी महंगी है, बड़ी महंगी है, महंगी बन रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और अभी टाइम हो रहा है सुबह का, और आज जो है ना आपकी का लास्ट डे है, यानी कि आज पूरे महीने से आप ही आई हुई है, पूरा महीना हो चुका है। आप ये अभी पीछे खड़ी होकर पैकिंग कर रही है, नाश्ता करने के बाद जो है ना अभी तक पैकिंग में ही लगी हुई, क्योंकि इतना सारा सामान आप ही लाई थी ना, और कुछ यहाँ पर भी पड़ा हुआ था, तो अब जो बैग्स भी कम पड़ रहे हैं, बैग्स भी फुल कर रही है अपने, और एक्स्ट्रा बैग भी लेके जा रही है हमारा वाला, क्योंकि आप ही का सामान काफी सारा था ना, इसलिए फुल नहीं आ रहा, तो आप ही कोशिश कर रही है फुल करने की अपने बैग्स। तो खैर अभी आप ही पीछे तैयारी कर रही है जाने की, मैंने भी हेल्प करवाई है, जो चीजें इधर उधर फैली हुई थी ना आप ही की, वो रखवाई है, ज्वेलरी वगैरह, जैसे शादी का सामान भी था ना, इसलिए मेहनत लग रही है काफी पैकिंग करने के लिए। यहाँ आप सब देख सकते हैं, पूरी जो है ना मशीन पे इतना सारा सामान रखा हुआ था आप ही का, जो कि अभी पूरे कमरे में ही फैला हुआ है, वो सामान इतना सारा सामान है, आप ही छोटा छोटा करके सामान रख रही है। और हानिया ने देखो अपना ताज भी पहना हुआ है, इसको मिल गया है ज्वेलरी में से ताज, मैं अभी तो रख ही रही हूं, देखो अभी तो सारा है, अभी भी बहुत सारा है वैसे तो। ये देखें, ये है नीचे भी है, इधर भी कुछ रखा हुआ है आप ही का सामान, बहुत सारा सामान है अभी। और एक बैग तो बिल्कुल ही फुल हो चुका है, इस पे आपकी ने ताला भी मार दिया है बिल्कुल पैक करके, बस अभी लास्ट बैग कर रही है, उसके बाद जो छोटा मोटा बचेगा वो दूसरे बैग में डाल दूंगी। ऐसी बैग पैक कर रही हूं, मुझे याद है धोबी के कपड़े तो आने हैं, अभी धोबी वाले कपड़े भी रखने हैं अभी यहाँ पर भाई के, वो भी आने हैं, ऐसे ही मैं भरे जा रही हूँ। नहीं भरे अभी, जगह खाली छोड़ दे, क्योंकि वो भी तो आने हैं फिर, बाकी अभी ये वाले बैग को फुल करने हैं तो पूरा खाली पड़ा है, नहीं वो जल जाएंगे दूसरे बैग का पना, तो फिर ये बाकी एडजस्ट कर लूंगी। चलो ठीक है, यहाँ जो है ना सफाई सारी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर आपी की पैकिंग भी हो चुकी है। ये देखें जी, एक बैग ये रहा, दूसरा बैग ये रहा, हानिया वाला भी फुल है, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, और छठा ये रहा आपी का हैंडबैग। तो ये इतने सारी पैकिंग है आपी की कंप्लीट हो चुकी है, सारी सेटिंग भी हो गई रूम की, जो जो फैला हुआ था सब कुछ हो गया। और अभी जो है ना हानिया के लिए मैं स्पेशल किचन में बना रही हूँ नूडल्स मैगी। ये देखें जी, हाँ मैगी की तैयारी हो रही है, अपने स्टाइल में बना रही हूँ। हानिया को चाहिए थी स्पाइसी मैगी, तो मैंने बोला चलो स्पाइसी सूप मैगी बना देती हूँ उसके लिए। और यहाँ जो है आज दोपहर में हम बना रहे हैं चावल आलू वाले, तो यहाँ पर उसकी तैयारी भी चल रही है, लाइट आएगी ना बस फिर हमने काम स्टार्ट करना है, अभी तो बस मैगी बन रही है उसका काम होगा। खैर अभी हानिया को मैं मैगी बना के देती हूँ, हानिया ने जो है ना मुझे कल से बोला हुआ है मुझे मैगी खानी है, मैंने बोला कल सुबह होगी ना फिर बना के दूंगी, आज मैं देखी ना, हाँ कल मेरे साथ लेट के देख रही थी ना YouTube, तो उसने देख ली थी, मैंने बोला कल बना के दिखाऊंगी, तो आज मैं उसके लिए बना रही हूँ मैगी लास्ट डे पे वो भी। हानिया क्या बन रहा है इधर? महंगी बन रही है, बड़ी महंगी है, महंगी बन रही है, महंगी बन रही है मैगी, मैगी नूडल्स बोल दो, हाँ नूडल्स महंगी, या सांप बोल दो, लंबे लंबे सांप बन रहे। ये देखें जी, ये हानिया की महंगी बन रही है, हानिया की लैंग्वेज में महंगी, ये बस बन गई, निकाल के दूं हानिया को, हानिया निकाल के दूं, चेक करिए, अभी नहीं अभी नहीं अभी पकने दूं, कल कल कल। अभी ना लाइट भी आ चुकी है, तो हम आ चुके हैं हानिया की मामी के रूम में, क्योंकि जो है ना यहाँ पर अभी अभी भाई ने पंखा चलाया है, तेज किया है मेरे लिए, गर्मी हो रही थी, आज हानिया चली जाएगी पता है ना, आज बेचारी हानिया चली जाएगी, फिर ये भी बोर होगी, एक दो हम तो सबसे ज्यादा बोर होंगे, बोर होगी, मेरे दो भाई वहाँ पर आए हुए हैं, सबसे ज्यादा टाइम पास, घर में रौनक लगी हुई है इनकी वजह से, पूरा दिन में सो रहा भी हो तो आ जाती, उठाती है, बोलो मामू खेलो, मामी का भी अभी टाइम पास हो रहा है, बाद में आपकी मामी का भी टाइम पास नहीं होगा जाने के बाद, ये बच्चों की वजह से इनके मामी का दिल लगा हुआ है, नई नई शादी हुई है, बच्चे जाएंगे ना फिर पता चलेगा, हाँ। हानिया कहती है मामी मुझे वीडियो कॉल करना रोज, करेंगे वीडियो कॉल, ठीक है चले अभी मैगी खाओ आप, ये आपकी मैगी आ गई, ये मेरी मैगी आ गई। यहाँ अभी हमारी जो है ना लाइट गई हुई है, और यहाँ से अभी अभी मैंने फर्श धोया, पूरा जो है ना अंधेरा अंधेरा ही हो रहा है घर में, हाँ जी बिल्कुल, अभी जो है ना बस खाना भी रेडी है, अभी खाना खाएंगे और फिर रेडी होंगे जाने के लिए, है ना, आप ही की तो सारी पैकिंग हो गई, कुछ भी नहीं रहा, बच्चों के फीडर रखने बस, और कुछ नहीं, चले
ये आप ही लेके जा रही है, मैं प्लेटें वगैरह निकालूं, पानी निकालती हूँ, फ्रिज से लेके जाती हूँ जल्दी से। आप ही जो है ना अभी यहाँ स्कूल जाने के लिए रेडी हुई है, देख सकते हैं। एक बड़ा स्कूल है, एक छोटा सा स्कूल है। ये हानिया का है और ये आप ही का है। दोनों माँ बेटी पढ़ने। हाँ जी, अभी अंधेरा हो रहा है, गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं, चलते हैं भाई, लेट हो रही हो। आप कहीं ऐसा ना हो फ्लाइट ही आपकी मिस हो जाए। नहीं मिस नहीं होगी, ऐसे ना बोल, अभी बहुत देर है, बस ये कि हम जल्दी निकल रहे हैं। हम तो जल्दी जा रहे हैं, सुकून से जाएं, लेट ना। और अभी जो है ना अमान भी आया हुआ है आप ही से मिलने के लिए कि हम जा रहे हैं, आखिरी बार अमान आया है मिलने के लिए। अब नेक्स्ट टाइम अमान पंजाब ही आएगा। अमान बोल रहे हैं ना अभी हमारे साथ आएगा, इसलिए बड़ा हो जाएगा। अभी 6 महीने में इतना बड़ा हो गया, 6 महीने बाद और दाढ़ी मूछ आ जाएगी। इतना सा था। हाँ, अभी 1 साल पे मेरे कंधे तक आता था, अब बड़ा हो गया। भाई ऐसा ही होता है, बहनें बड़ी छोटी लगती हैं, भाई बड़े हो जाते हैं। तो अभी हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, एक गाड़ी वो आगे गई है, अभी घूम के आएगी, और एक गाड़ी ये रही जिसमें हम सब जाएंगे, और अमान भी हमारे साथ ही जा रहे हैं, हम इसको रास्ते में छोड़ते हुए जाएंगे। भाभी भी निकल गई हैं, आ जाएं बैठते हैं गाड़ी में। ये देखें सुहान और हानिया तो सबसे पहले चढ़े हैं आके। मज़ा आ रहा है। किधर जा रहे हैं शानू, हम कहाँ जा रहे हैं? न्यू आंटी के घर नहीं जा रहे, आप घर जा रहे हो। आज आप ही जो है हमारे साथ बैठ के जा रही हैं, क्योंकि भाई लेडीज एक साथ हो गई, जेंट्स एक साथ हो गए, हमारे साथ बस पापा आगे बैठे हुए, और तो कोई भी नहीं है। एक जेंट्स तो बिल्कुल जरूरी था, बाकी फिरोज भाई और अदनान भाई दूसरी कार में जा रहे हैं। आधा ये रहा, ये कुछ रखा हुआ है, आधा दूसरी जगह है, और बस थोड़ी देर लगेगी हम पहुंच जाएंगे। अभी तो पुल पे हैं हम लोग। हानिया 20 मिनट लगेंगे। हाँ जी 20 मिनट लगेंगे, इतना तो लगेंगे। नहीं अभी हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। आप ही जो है ना फिरोज भाई से पूछ रही हैं कि कहाँ हैं। हानिया उतरे नीचे आप। हानिया उतर गई है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता सब उतर रहे हैं। आप ही का सामान भी सारा उतारना है हमने आहिस्ता आहिस्ता, और हमें जो है ना वो ऊपर वाली साइड पे जाना है, नीचे वाली साइड नहीं, एस्केलेटर से ऊपर जाना है, सारा सामान लेके आहिस्ता आहिस्ता। चलिए जी उतारते हैं हम अभी सामान। अभी जो है ना हम पहुंच चुके हैं जीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर आप ही जा रही हैं और एक बैग पहना हुआ है हानिया ने, भाभी को भी लेके जा रहे हैं, बस छोड़ने के लिए जा रही हूँ और कुछ नहीं जा रही। हाँ जी, शानू का हाथ पकड़ा हुआ है, एक बैग मैंने पहना हुआ है कंधे पे, एक बैग हानी ने पहना हुआ है, एक बैग पापा के पास है, और फिरोज भाई और भाई पता नहीं कब के उतर चुके हैं और हमारा वेट कर रहे हैं, हम कब आएंगे। वो पहले के पहुंचे हुए, हमें हमारे ऊपर गुस्सा करने में लगे हैं। यहाँ जो है ना अभी सब आगे चल रहे हैं, और जो है ना फिरोज भाई और अदनान भाई भी हमें मिल गए हैं, वो सबसे आगे पहुँच गए हैं, क्योंकि जो है ना लेट हो गए, चेकिंग स्टार्ट है, तो अभी हमें जल्दी जल्दी से जाना है। तो भाई अभी हम चले हैं एक्सेलेरेटर पर, यहाँ पर फिरोज भाई, पीछे भाई, अदनान भाई सब चढ़े हुए हैं, और मैं सबसे आगे हूँ, क्योंकि भाई मुझे उतरना था, चढ़ना नहीं था। उतर गई मैं, अब सब आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। डर तो नहीं लगा हानिया? हे हानिया डर नहीं लगा? चलो यार बेचारे, मजा आया। मुझे अभी की चप्पल तोड़, मजा आया वैसे। अभी वापी की चप्पल निकालनी पड़ेगी यार, अभी आपी की चप्पल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि तोड़ दी है बच्चों ने। यहाँ जो है ना आपी मिल रही है अभी पापा से, और चप्पल भी चेंज करवा दी हमें आपी की जल्दी से, हो गया आखिरी बार मिलना हो रहा है बस, अब पता नहीं कितने महीनों बाद मिले। अब फिरोज भाई मिलते हैं। चलें ये लें आप अपना बैग, ये वाला बैग भी। ये पहन लो। हाँ ये तो ऐसे ही चले जाएंगे। चलें ठीक,
चलो हाफिज। तो अब जो है ना फिरोज भाई और निशा भी जा रहे हैं, मिल लिए हम, आपस जा ही रहे हैं, ये देखेंगे ये खड़े हुए हैं, अल्लाह हाफिज। अभी यहाँ पर हम लोग खड़े हुए थोड़े से नज़ारे करते हैं, फिर जो है ना बस नीचे जाएंगे इंशाल्लाह, फिर घर पे थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके। हमारी गाड़ी जो पार्क हुई हुई है ना, वो उस साइड पार्क हुई हुई है, हम ये इतना लंबा चल के आए थे यहाँ तक और फिर इधर एक्सलेटर से ऊपर चढ़े थे और अब इधर ऊपर आए, साथ में पापा भी खड़े हुए हैं, भाभी भी खड़ी हुई हैं, पापा भाई भी खड़े हुए हैं और निशा आप ये अंदर जा चुकी हैं। और ये जो सामने आप जंगला लगा हुआ देख रहे हैं ना, यहाँ से लोग खड़े होकर जहाज़ देख रहे हैं, यानी कि आपने देखना है जहाज़ देखना है नहीं देखना, ऐसी नज़ारे कर लो, ब्यूटीफुल नज़ारे हैं एयरपोर्ट के भी। हाँ आवाज़ भी काफ़ी है लेकिन आवाज़ नहीं आती, काफ़ी दूर है ना, लैंड होने की आवाज़ आती है बस। ये देख सकते हैं इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी, पूरा जाम है एरिया इधर का। ये देख सकते हैं हम जो है ना अभी जहाज़ देखने के लिए आ गए, मैंने भाभी को बोला चलो एक बार देख के आते हैं, हम पता नहीं अपनी लाइफ में कब बैठे ऐसे ही देख के आ जाते हैं। ये सामने खड़ा हुआ है, काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है इधर से तो, क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह है इधर, लेकिन बहुत बड़ा व्यू आ रहा है इधर से, बहुत बड़ा एरिया है जिधर लैंड होते हैं जहाज़, बहुत बड़ा एरिया है ना जिधर लैंड होते हैं, और हमें आसमान में इतना सा नज़र आता है ना, इतू सा लैंड होता हुआ कोई नज़र आया ना फिर देखेंगे कि उतरता हुआ कैसा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा। हाँ बस निशा आपी की भी 10:30 की फ़्लाइट है और अभी टाइम हो रहा है 9:30, हम एक घंटा पहले लेकर आ गए क्योंकि ट्रैफिक भी था ना रास्ते में, फिर पता नहीं होता, हमने कहा देर ना हो जैसे, वैसे भी थोड़ी सी लेट हो गए हम गाड़ी की वजह से, कुछ मसला हो गया था इसलिए। बस अब जो है ना हम घर जा रहे हैं, पापा आगे आगे चल रहे हैं, हम सब पीछे पीछे और काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए हम चलते चलते, बस अब सीधा सीधा चलते हैं अपनी गाड़ी पर। हमने ये वाली गाड़ी करवाई थी तो वो सामने ही खड़ी हुई थी ताकि आसानी से हम बाद में निकाल सकें, तो ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, जल्दी से हम बैठते हैं और फिर चलते हैं। निशा अभी की चेकिंग वगैरह हो गई, बस अब बैठेंगे और चलेंगे, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय। छोड़ के जो है ना हम लोग जल्दी से रवाना हो गए थे, आप बैठ गई थी, चेकिंग हो गई थी आपी की और फिर फ्लाइट में भी बैठ गई थी, रास्ते में ही बैठ गई थी, रास्ते में ही आपी का मैसेज आ गया था कि अब मैं बैठ चुकी हूँ फ्लाइट में, अब आप सब जा सकते हैं, मैंने बोला हम तो आधे रास्ते में भी पहुँच गए, खैर आपी तो अब जा चुकी होंगी, यानी कि उड़ान ले ली होगी उनके जहाज़ ने, उड़ गई होगी उनकी फ्लाइट, वो भी बस पहुँच जाएंगी 12 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 घंटे का सफ़र होता है उनका, 1 घंटा 10 मिनट ऐसे, और जो है ना मुल्तान पहुंचेंगी वो 12 बजे तक और फिर अपने घर कम से कम 3 बज जाएंगे उन्हें पहुंचते पहुंचते, क्योंकि मुल्तान से जो है ना 2 घंटे का रास्ता है और रात में तो ज़्यादा टाइम ही लगेगा, तो बस 3 बजे तक वो भी घर पर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, जल्दी पहुंच जाएंगी खैरियत से। और बस अभी रात हो रही है, घर भी हमारा खाली हो गया, नहीं तो इस टाइम पर जो है ना पूरा शोर मचाया हुआ होता था, हानिया ने सुहान ने बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे होते थे यहाँ पर, हम भी साथ में लगे हुए होते थे, अब ये है कि घर खाली खाली हो गया, हम भी बोर होंगे, बेचारे बच्चे भी हमें याद करेंगे, हानिया भी कह रही थी बस वीडियो कॉल करते रहना, सुहान भी जो है ना बस सुबह से ही खुश था कि हम घर जा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि इतना दूर जा रहे हैं, वो अब पता नहीं कब मिलना होगा, इंशाल्लाह जल्दी ही मिलना होगा 3-4 महीने में, अभी रात का टाइम हो रहा है तो बस मैं भी आराम करूँगी। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।